दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो वैगन में डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व जिसे हम डीवी कहते हैं का उपयोग होता है उसकी इंटरनल वर्किंग के बारे में देखेंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों आप देख पा रहे हैं हम इस वीडियो में वर्किंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व जिसे हार्ट ऑफ द एयर ब्रेक सिस्टम कहते हैं उसके बारे में देखेंगे। दोस्तों तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो डिफरेंट टाइप के डीवी होते हैं वो कौन कौन से हमारे डीवी होते हैं। तो बेसिकली देखें आप यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ डिज़ाइन के टाइप का डीवो, के टाइप डीवी, C3W टाइप डीवी, ये तो डिज़ाइन के आधार पर डीवी हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग सिंगल स्टेज डीवी, टू स्टेज डीवी, डीवी विद प्रेशर ट्रांसफार्मर इसको बोला जाता है जो कि BLC वैगन में यूज किया जाता है, BOBYN वैगन में यूज किया जाता है, और सिंगल स्टेज डीवी हमारा अदर वैगन जो है BOBYN BLC वैगन को छोड़ के उन सभी वैगनों में सिंगल स्टेज डीवी का प्रयोग किया जाता है। टू स्टेज डीवी जो है इज आल्सो ऑफ टू टाइप ऑन बेसिस ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइन के आधार पर जो टू स्टेज डीवी है वो भी दो प्रकार के होते हैं, K2O टाइप डीवी और C3W2 टाइप डीवी। बेसिकली दो ही डिज़ाइन हैं, टू स्टेज में भी वही दो डिज़ाइन हैं जिसमें यहाँ पर टू स्टेज के लिए यहाँ पर टू का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों ये तो हमने देखे डीवी के टाइप। नेक्स्ट अब जो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा बेसिकली के टाइप का डीवी। तो के टाइप के डीवी में बेसिकली 8 सब असेंबली होती है, यानी इस डीवी के अंदर 8 सब असेंबली हैं। पहली असेंबली जो यहाँ पर है, तो पहली असेंबली यहाँ पर लिखी हुई है, जो हमारी पहली असेंबली है वो है 3 प्रेशर वाल्व जो कि डीवी के इनसाइड, के टाइप का डीवी ये देख पा रहे हैं, इसकी जो इनसाइड बीच का पोर्शन है, बीचों बीच का पोर्शन है उसे हम 3 प्रेशर वाल्व के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो सेकेंड असेंबली हमारी है वो सेकेंड असेंबली जो है वो आर चार्जर कहलाती है। तो आर चार्जर बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ये हमारा आर चार्जर कहलाता है सेकेंड नंबर। तीसरा जो हमारा है यू कंट्रोलर देखा जाए तो यू कंट्रोलर जस्ट इसके पीछे साइड बैक साइड पर यू कंट्रोलर होता है। चोक कवर चौथा पार्ट जो है, तो ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं डीवी का ये हमारा चोक कवर कहलाता है, यानी ये हमारा हो गया 4 नंबर। ये हमारा था आर चार्जर जिसमें हैंडल लगा होता है, तो ये हमारा 2 नंबर है। पहला पार्ट बिल्कुल बीचों बीच में होता है जो हमें यहाँ से नहीं दिखेगा। पांचवा पार्ट क्विक सर्विस वाल्व इन द बॉटम ऑफ द डीवी, ये आप नीचे सबसे नीचे देख पा रहे हैं यहाँ पर है इसका क्विक सर्विस वाल्व। और कंट्रोलर ये आप जो स्पेरिकल पार्ट यहाँ पर देख पा रहे हैं नट जैसा, ये हमारा हो गया 6, यानी एक कंट्रोलर। उसके बाद मिनिमम प्रेशर लिमिटर और मैक्सिमम प्रेशर लिमिटर ये दोनों ही इसके अंदर होते हैं। तो ये बेसिकली 8 सब असेंबली कई टाइप की डीवी की है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो 3 प्रेशर वाल्व है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। जैसा कि इसका नेम जो हमें सजेस्ट कर रहा है, 3 प्रेशर वाल्व का मतलब है कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो 3 तरह का प्रेशर बेसिकली यहाँ पर रन करेगा। तो कौन कौन से 3 तरह के प्रेशर होंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं बेसिकली ये ग्रीन कलर दिखाया गया है, तो ग्रीन कलर किसका प्रेशर शो करता है, ब्रेक पाइप के प्रेशर, यानी जिसे कि हम बीपी प्रेशर, तो वो हमारा ग्रीन कलर से शो किया गया है। दूसरा हमारे यहाँ येलो कलर जो कि कंट्रोल रिजर्वायर CR कंट्रोल रिजर्वायर के प्रेशर को येलो कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है CR चैम्बर, यानी इसमें CR का प्रेशर है, और यहाँ जो ये लिखा हुआ है BP चैम्बर, यानी यहाँ पर ब्रेक पाइप का प्रेशर है। और थर्ड सबसे ऊपर वो हमारा है
बीसी चैम्बर, यानी ये ब्लू कलर का जो है ब्रेक ये पाइप ब्रेक का पाइप प्रेशर का है। प्रेशर है। तो बेसिकली ये तीन तरह के प्रेशर यहाँ पर होते हैं जो कि थ्री प्रेशर वाल्व में यहाँ पर मिलते हैं, यानी तीनों प्रेशर हमें यहाँ इस वाल्व में मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी वर्किंग किस तरह से होगी। चलिए देखिए, सबसे नीचे हम बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है लार्ज डायफ्राम, यानी इस थ्री प्रेशर वाल्व में दो डायफ्राम होते हैं, एक होता है लार्ज डायफ्राम और एक है हमारा स्मॉल डायफ्राम। स्मॉल डायफ्राम हमारा यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये स्मॉल डायफ्राम है ये। तो ये दो डायफ्राम है, लार्ज डायफ्राम के टॉप पोर्शन पर ब्रेक पाइप का प्रेशर होता है, जबकि बॉटम पर कंट्रोल रिजर्वायर सीआर का प्रेशर होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम ए कंट्रोलर, यानी इसमें जो प्रेशर आ रहा है कंट्रोल रिजर्वायर चैम्बर में, सीआर चैम्बर में, वो ए कंट्रोलर के थ्रू प्रेशर यहाँ पर आ रहा है, और ये प्रेशर यहाँ से होते हुए कहाँ पर जा रहा है, सीआर में जा रहा है, यानी सीआर टैंक को चार्ज करने का काम करेगा। यहाँ पर देखिए ये लार्ज डायफ्राम के ऊपर बीपी जो चैम्बर है, इसमें बीपी प्रेशर यहाँ से इन हो रहा है और ये प्रेशर इसमें यहाँ पर फिल हो रहा है, और यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है, इस पिस्टन से यहाँ पर देखिए ये पोर्ट बंद है, जब ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो ये कहाँ पर जाएगा, टू एग्जॉस्ट थ्रू यू कंट्रोलर एंड बॉटम चैम्बर ऑफ ए कंट्रोलर। नेक्स्ट डायग्राम में हम इसको देखेंगे। एक यहाँ पर हमें दिया गया है स्मॉल डायफ्राम के नीचे, एक एग्जॉस्ट पोर्ट दिया गया है, और इसके ऊपर यहाँ पर टू बीसी थ्रो यू एंड ए कंट्रोलर एंड बोथ लिमिटर, यानी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिटर की सहायता से जो ब्रेक सिलेंडर प्रेशर जाता है वो यू कंट्रोलर ए कंट्रोलर से होते हुए प्रेशर जाएगा, अभी हम आगे देखेंगे। और तो आपने देखा यहाँ पर थ्री प्रेशर वाल्व में तीनों तरह के हमारे प्रेशर अवेलेबल हैं। डीसी चैम्बर ऊपर दिखाया गया है, यहाँ पे स्प्रिंग लोडेड है, यहाँ स्प्रिंग लगी हुई है, और ये यहाँ पर जो प्रेशर आ रहा है वो किसका आ रहा है, ए आर का प्रेशर आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है, लिमिटर्स के थ्रू आ रहा है, दोनों लिमिटर जो लगे हुए हैं उनके थ्रू प्रेशर यहाँ पर आएगा, आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे इसको। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ड्यूरिंग चार्जिंग, चार्जिंग के दौरान एक्चुअली में क्या होता है। तो चार्जिंग के दौरान हमें ये देखना है कि चार्जिंग में हमारी क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चार्जिंग में ए आर चार्ज थ्रो आर चार्जर, पहला पॉइंट क्या है कि जो ए आर है वो हमारा आर चार्जर के थ्रू चार्ज होता है। सेकेंड नंबर का जो पॉइंट है, सी आर चार्ज थ्रो ए कंट्रोलर, यानी सी आर किसके थ्रू चार्ज होगा, कंट्रोल रिजर्वायर जो चार्ज होगा वो ए कंट्रोलर के थ्रू चार्ज होगा, ऑक्सिलरी रिजर्वायर किसके थ्रू चार्ज होगा वो आर चार्जर के थ्रू चार्ज होगा। बीपी चेम्बर जो अभी हमने थ्री प्रेशर वाल्व में देखा, वहां पर जो प्रेशर होगा रिलीज थ्रो यू कंट्रोलर, यानी चार्जिंग के दौरान बीपी चेम्बर का प्रेशर रिडक्शन होगा, और क्विक रिडक्शन इन बीपी प्रेशर कब होगा ऐसा, ये चार्जिंग के दौरान नहीं होगा। तीसरा पॉइंट जो है वो चार्जिंग के दौरान का नहीं है, जब बीपी का प्रेशर कम किया जाएगा, ब्रेक पाइप का प्रेशर कम किया जाएगा, तो डीबी के अंदर से भी बीपी का प्रेशर निकलता है। तो ये हमारा जो तीसरा पॉइंट है ये चार्जिंग का पॉइंट नहीं है, ये बीपी प्रेशर रिडक्शन के दौरान का पॉइंट है। अब हम इसको देखते हैं सिस्टमेटिकली, जो डीबी के अंदर किस तरह की प्रोसेस हो रही है चार्जिंग के दौरान उसको देखते हैं। तो देखिए बेसिकली ये हमारा थ्री प्रेशर वाल्व यहाँ पर बना हुआ है, ये हमारा थ्री प्रेशर वाल्व देख पा रहे हैं, ये हमारा यू कंट्रोलर है, ये हमारा ए कंट्रोलर है, ये मैक्सिमम लिमिटर यहाँ पर है, ये मिनिमम लिमिटर है, और ये हमारा आर चार्जर यहाँ पर दिया गया है। और तो देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर क्यू आर वी, ये क्विक रिलीज वाल्व दिखाया गया है, और एक चोक कवर इसमें हमारा यहाँ पर शो नहीं किया गया। चोक कवर में बेसिकली क्या होता है, एप्लीकेशन और रिलीज चोक रहते हैं। तो ये तो हमारा टोटल इसका डायग्राम हो गया। अब हम चार्जिंग में बात करते हैं, तो चार्जिंग में क्या होगा, देखिए यहाँ से 5 kg का प्रेशर जो है वो हमारा एन होगा, लेकिन कब एन होगा, जब ये जो ये हमारा इसका डीबी का जो हैंडल है वो वर्टिकल पोजिशन
पोजीशन पे रहे। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन हमने यहाँ पर दिखाया गया है, इसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन दिखाई गई है। जब जैसे ही हम इसको वर्टिकल पोजीशन पे करेंगे तो डीबी में प्रेशर जाना शुरू हो जाएगा। ब्रेक पाइप का प्रेशर 5 kg का प्रेशर, देखिए ये ग्रीन कलर से शो किया गया है, ये 5 kg का प्रेशर हमारे यहाँ पर है। अब ये किस तरह से हमारी प्रोसेस हो रही है इसको हम यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर चार्जिंग हमारी दिखाई गई है, तो चार्जिंग में क्या होगा, अभी कोई भी प्रेशर कहीं पे भी नहीं है। जैसे ही हम चार्जिंग करेंगे तो ये हम ऑफ पोजिशन हैंडल जो है वो ऑन पोजिशन हो जाएगा, और ये 5 kg का प्रेशर, यहाँ पर आपने स्प्रिंगों की मूवमेंट देखे, देखिए किस तरह से मूवमेंट हो रहा है। आर चार्जर में जो यहाँ स्प्रिंग लगी हुई है, ये अभी इसने पोर्ट को बंद कर रखा और यहाँ पर ये पोर्ट खुला हुआ है, यानी एआर में कोई प्रेशर नहीं है, एग्जॉस्ट से कनेक्शन है। तो जैसे ही हम इसका ऑन पोजिशन करेंगे तो देखिए इसने ये इस पोर्ट को खोल दिया और ये पोर्ट हमारा बंद हो गया। प्रेशर यहाँ से एन होगा, ये यहाँ से होते हुए ये हमारा इस तरह से प्रेशर जाएगा, देखिए प्रेशर एन हो रहा है। ये देखिए प्रेशर बीपी चैम्बर में गया, यहाँ से ये जो प्रेशर है ये वाला प्रेशर हमारा एक कंट्रोलर के लोअर चैम्बर में गया, उसके बाद एक कंट्रोलर के अपर ऊपर से होते हुए ये हमारा सीआर चैम्बर में होते हुए सीआर को चार्ज करना स्टार्ट किया। सीआर 5 kg से चार्ज हो गया और यहाँ आर चार्जर के आगे जो चोक लगा हुआ है यहाँ से होते हुए एआर को उसने 5 kg से चार्ज किया, और ये हमारा जो डबल रिले जो मैनुअल रिलीज में सिस्टम रहता है, जो कि हमारा यहाँ आर चार्जर हैंडल है उसके पास जो प्रेशर रहता है वहाँ तक ए आर का प्रेशर है। और यहाँ पर अगर हम देखें मिनिमम लिमिटर मैक्सिमम लिमिटर दोनों से होते हुए हमारा प्रेशर 3 वे 3 प्रेशर वाल्व के टॉप पोर्शन तक पहुँचता है। तो इस तरह से ये चार्जिंग हमारी हुई। अब इसमें क्या क्या हुआ, तो सबसे पहले हमने ग्रीन कलर का प्रेशर देखा जो कि हमारा ब्रेक पाइप का प्रेशर है, फिर येलो कलर का प्रेशर जो कि हमारा सीआर प्रेशर है, और ब्लू कलर का प्रेशर जो हमें ब्लू कलर से दिखाया गया वो एआर का प्रेशर है, और ब्रेक सिलेंडर में कोई भी प्रेशर नहीं है, ये अभी हमारा 0 kg है। अब इसके बाद बात करते हैं ब्रेक एप्लीकेशन में क्या होगा। तो ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन फॉलोइंग एक्टिविटी अकर इनसाइड डीवी, क्या एक्टिविटी होगी, चार्जिंग ऑफ सीआर, स्टॉप थ्रो ए कंट्रोलर। जी सीआर की चार्जिंग है, सीआर की जो चार्जिंग है वो ए कंट्रोलर के थ्रू बंद हो जाएगी। तो ए कंट्रोलर से सीआर चार्ज हो रहा तो वो चार्ज होना बंद हो जाएगा। व्हेन बीसी प्रेशर बिकम्स 0.4, जैसे ही ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर 0.4 होगा, यू कंट्रोलर स्टॉप एग्जॉस्टिंग बीपी चैम्बर प्रेशर। बीपी का जो प्रेशर है वो जो यू चैम्बर एग्जॉस्ट कर रहा था, ब्रेक सिलेंडर में जैसे ही 0.4 का प्रेशर पहुंचेगा वो एग्जॉस्ट होना बंद हो जाएगा। व्हेन बीसी प्रेशर बिकम्स, बीसी में प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में 0.8 का प्रेशर होता है, मिनिमम प्रेशर लिमिटर क्लोज हो जाएगा, और बीसी में जैसे ही प्रेशर 3.8 होता है मैक्सिमम लिमिटर भी क्लोज हो जाएगा। अब ये सारे ऑप्शन हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए ये एप्लीकेशन स्टेज की बात की गई, एप्लीकेशन में क्या होता है, हम ब्रेक पाइप का प्रेशर ड्रॉप करते हैं, कितना ड्रॉप किया हमने, 0.2 से 1.4 का प्रेशर हमने ड्रॉप किया। ये प्रेशर देखिए हमारा बीपी का ड्रॉप हो रहा है, बीपी का प्रेशर यहाँ पर ड्रॉप होगा और यहाँ ड्रॉप होगा, क्या होगा इससे, देखिए ये पिस्टन ऊपर हुआ, इस पिस्टन के ऊपर होते ही देखिए इससे क्या फर्क पड़ गया, ये यहाँ पर जो प्रेशर था वो यहाँ से होते हुए यू कंट्रोलर के थ्रू एग्जॉस्ट होना स्टार्ट होगा। यानी जब हम SWTR से 0.2 से 1.5 kg का प्रेशर ड्रॉप करते हैं तो SWTR से तो प्रेशर ड्रॉप होता ही है, साथ साथ डीवी के थ्रू भी बीपी चैम्बर का प्रेशर ड्रॉप होता है, ताकि रिडक्शन इन ब्रेक पाइप रैपिड हो, यानी ब्रेक पाइप का प्रेशर रैपिडली डिक्रीज हो, तो डीवी के अंदर से भी ब्रेक चैम्बर का प्रेशर होगा। जब यहाँ का चैम्बर का प्रेशर देखिए किस तरह से होगा, ये एग्जॉस्ट होना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ये प्रेशर एग्जॉस्ट हो रहा है, इस एग्जॉस्ट से क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस क्विकली बन जाएगा, और प्रेशर डिफरेंस क्विकली बनने से देखिए इसने सीआर की चार्जिंग को बंद कर दिया, ये पोर्ट यहाँ पर बंद हो गया, यहाँ का प्रेशर अभी यहाँ जाना बंद हो गया है। इसका मतलब है कि सीआर में 5 kg का प्रेशर ही बना रहेगा, अब सीआर की चार्जिंग नहीं होगी और ब्रेक पाइप का प्रेशर अभी हमारा एग्जॉस्ट हो ही रहा है। इसी दौरान इस पिस्टन के अपवर्ड मूवमेंट से ये जो डायफ्राम के ऊपर जो प्रेशर था, 3 प्रेशर वाल्व के ऊपर जो प्रेशर था वो कनेक्ट हो जाएगा, और यू कंट्रोलर ए कंट्रोलर मैक्सिमम लिमिटर मिनिमम लिमिटर से होते हुए प्रेशर कहाँ पहुंचेगा, ब्रेक सिलेंडर में पहुंचेगा। अब ब्रेक सिलेंडर में जैसे ही प्रेशर हमारा देखिए कितना प्रेशर होगा, जैसे ही ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर 0.2 होगा, ए कंट्रोलर सबसे पहले क्लोज हो जाएगा, 0.4 होगा तो
यू कंट्रोलर क्लोज हो जाएगा, जो बीपी का प्रेशर यहाँ से एग्जॉस्ट हो रहा था वो एग्जॉस्ट होना बंद हो जाएगा। 0.8 होते ही मिनिमम लिमिटर भी हमारा क्लोज हो गया। देखिए मिनिमम लिमिटर कैसे था, अभी ओपन था यहाँ पर, और 0.8 जैसे ही प्रेशर हुआ ये हमारा क्लोज हो जाएगा। देखिए 0.8 जैसे ही होगा ये क्लोज हो गया। उसके बाद बीसी में प्रेशर जो होगा वो हमारा मैक्सिमम कितना जाएगा उसको हम नोट करेंगे। वो 3.8 होते ही ये एक चोक लगा हुआ है मैक्सिमम लिमिटर में, ये वाला चोक वाला मैक्सिमम लिमिटर भी हमारा क्लोज हो जाएगा। और इस दौरान ब्रेक सिलेंडर में 3.7 से 3.9 के बीच का प्रेशर होगा, जो कि हमारा फुल सर्विस एप्लीकेशन 1.4 से 1.6 का जब हम ड्रॉप करते हैं बीपी में, तब हमारा ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर मिलता है। तो ये रहा हमारा एप्लीकेशन। इस दौरान एआर का प्रेशर यहाँ पर शो किया गया है। देखिए ये हमने एप्लीकेशन की फाइनल स्टेज देखी। अब हम इसको लैप पोजीशन की बात करते हैं। लैप पोजीशन क्या होती है? ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर जब हमारा इस तरह से हो जाता है तो जो हमारा थ्री प्रेशर वाल्व का जो पिस्टन है वो एक तरह की लैप पोजीशन अचीव करता है। क्या लैप पोजीशन होती है कि इस दौरान ब्रेक पाइप जो एआर का प्रेशर था वो ब्रेक चैम्बर से कट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यानी यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं आएगा, तो ये पिस्टन हमारा क्लोज हो गया। और ब्रेक सिलेंडर का एग्जॉस्ट से भी कोई कनेक्शन नहीं होगा, यानी ब्रेक सिलेंडर ना तो एग्जॉस्ट से कनेक्ट है और ना ही ब्रेक सिलेंडर एआर से कनेक्ट है। यानी ब्रेक सिलेंडर में ना तो चार्जिंग हो रही है ब्रेक सिलेंडर की और ना ही ब्रेक सिलेंडर की एग्जॉस्टिंग हो रही है। तो इस पोजिशन को हम कहते हैं लैप पोजिशन। ये पिस्टन ने हमारी लैप पोजिशन अचीव कर ली। अब इसकी बात करते हैं ये लैब पोजीशन कहाँ काम करती है। तो जो ग्रेजुएट एप्लीकेशन और ग्रेजुएट रिलीज का कंसेप्ट जो रहता है वहाँ पर हमारी लैब पोजीशन काम करती है। जितना हम बीपी में प्रेशर ड्रॉप करते हैं उसके 2.5 टाइम्स ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर हमारा पहुँचता है। देखिए यहाँ पे हमने ब्रेक पाइप का प्रेशर 5 kg से 4.8 किया, यानी हमने 0.2 का ड्रॉप किया। तो 0.2 का 2.5 टाइम्स जब हम करेंगे तो ब्रेक सिलेंडर में कितना प्रेशर जाएगा, 0.5 जाएगा। ब्रेक पाइप का प्रेशर 4.6 करेंगे तो यहाँ पर ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर है उसका 2.5 टाइम्स, यानी 1 kg का प्रेशर जाएगा। यहाँ पर 0.6 kg का ड्रॉप किया हमने, यानी 4.6 प्रेशर बीपी का कर दिया, तो 1.5 हो जाएगा ये टेबल। इसके ऊपर इसी तरह से जब हम रिलीज करेंगे तो ब्रेक पाइप का प्रेशर जितना भी हम इंक्रीज करते जाएंगे उसी हिसाब से ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर भी डिक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब है कि डिक्रीज इन बीपी इंक्रीज बीसी प्रेशर, इंक्रीज इन बीपी प्रेशर डिक्रीज इन बीसी प्रेशर। तो ये 7 स्टेप का हमारा प्रोसेस रहता है। अब हम बात करते हैं इमरजेंसी। जैसे ही हम बीपी का प्रेशर पूरी तरह से जीरो कर देते हैं तो उस दौरान क्या होता है। तो देखिए यहाँ 5 kg का प्रेशर था, अब इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन जब करते हैं तो ये पूरा का पूरा प्रेशर हमारा एग्जॉस्ट हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा। देखिए ग्रीन कलर हमारा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो ये जैसे ही एग्जॉस्ट होगा यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं, यहाँ 5 kg का प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस की वजह से पिस्टन जो है ऊपर मूव करेगा। पिस्टन के ऊपर जाते ही ये हमारा जो प्रेशर था ब्लू कलर का प्रेशर, ये ब्रेक सिलेंडर में जाना शुरू हो जाएगा और ब्रेक सिलेंडर में मैक्सिमम 3.7 से 3.8 kg का प्रेशर हमारा हो जाएगा। इस चैम्बर में अब कोई प्रेशर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने इमरजेंसी एप्लीकेशन करी है, कुछ प्रेशर हमारा एग्जॉस्ट हो गया है, तो इस वजह से यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। तो प्रेशर अब हम इस वक्त हमारा केवल इमरजेंसी एप्लीकेशन में एआर टैंक में होता है और बीसी में होता है, यानी ब्रेक सिलेंडर में होता है। अब देखिए जब हम इसको रिलीज करेंगे तो जैसे ही हम बीसी ब्रेक पाइप का प्रेशर 5 kg बनाएंगे तो ये एग्जॉस्ट पोर्ट यहाँ पर दिखाया गया है। ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर मिनिमम लिमिटर मैक्सिमम लिमिटर ए कंट्रोलर यू कंट्रोलर से होते हुए यहाँ ये जो हमारा होल्ड स्टेम है यहाँ से होते हुए एग्जॉस्ट से निकलेगा। तो देखिए किस तरह से होगा, ये हमने 5 kg का प्रेशर ब्रेक पाइप का प्रेशर चार्ज किया सिस्टम को, ये जैसे ही चार्ज होगा ये पिस्टन जो है हमारा नीचे आ जाएगा। प्रेशर डिफरेंस यहाँ खत्म हुआ, प्रेशर डिफरेंस खत्म होने से पिस्टन नीचे आया। पिस्टन के नीचे आते ही तो देखिए ये हमारा होल्ड स्टेम था, प्रेशर यहाँ से होते हुए इस होल्ड स्टेम से होते हुए एग्जॉस्ट हो जाएगा, यानी ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखिए ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो रहा है और ये हमारा ब्रेक सिलेंडर पूरी तरह से जीरो हो गया। और मैक्सिमम प्रेशर लिमिटर मिनिमम प्रेशर लिमिटर ये हमारे इनिशियल पोजिशन जो कि एप्लीकेशन चार्जिंग पोजिशन में थे, ये ए कंट्रोलर यू कंट्रोलर ये सारे हमारे इनिशियल पोजिशन में
आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं जो डीबी इंसेंसिटिविटी टेस्ट होती है। तो इंसेंसिटिविटी टेस्ट क्या होती है कि अगर हम ब्रेक पाइप का प्रेशर 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 60 सेकेंड यानी 1 मिनट में अगर 0.3 kg का प्रेशर ड्रॉप करते हैं तो हमारा ब्रेक सिलेंडर में कोई प्रेशर नहीं जाना चाहिए, यानी ब्रेक एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। इस टेस्ट को हम इनसेंसिटिविटी टेस्ट कहते हैं, यानी डीबी ने 0.3 kg के प्रेशर को 60 सेकेंड में जो हमने ड्रॉप किया उसको उसने सेंस नहीं किया, इसकी वजह से कोई ब्रेक एप्लीकेशन नहीं हो पाया। देखिए इनसेंसिटिविटी केस में यहाँ पर बीपी प्रेशर हम रिड्यूस करेंगे उस पर्टिकुलर रेट से 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 60 सेकेंड, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आर्च एआर का प्रेशर, देखिए यहाँ पे हमारा बीपी का प्रेशर रिडक्शन हो रहा है और ये ए कंट्रोलर का प्रेशर भी यहाँ पर हमारा यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, यानी सीआर का प्रेशर उसी रेट से डिक्रीज हो रहा है जिस रेट से हमने बीपी का प्रेशर हुआ। तो यहाँ पर बेसिकली कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा, इस प्रेशर डिफरेंस ना होने से यहाँ इस पिस्टन में कोई मूवमेंट नहीं होगा, जब ये पिस्टन मूव ही नहीं करेगा या ऊपर की ओर मूव नहीं होगा तो ये वाला प्रेशर यहाँ नहीं आ पाएगा। यही होता है हमारा सेंसिटिविटी में, इनसेंसिटिविटी में। अब सेंसिटिविटी में क्या होता है कि 0.6 kg का प्रेशर जो है वो 6 सेकेंड में हमें ड्रॉप करना है, कितना 0.6 kg का प्रेशर 6 सेकेंड में ड्रॉप करेंगे तो ब्रेक सिलेंडर में हमारा प्रेशर कितना जाएगा, 1.5 kg का प्रेशर पहुंचना चाहिए। तो देखिए इसको, अब हमने यहाँ पे सेंसिटिविटी टेस्ट किया, यहाँ पे हम ब्रेक पाइप का प्रेशर ड्रॉप करेंगे, तो देखिए ये ब्रेक पाइप का प्रेशर हमने ड्रॉप किया, ये ऊपर चैम्बर से प्रेशर ड्रॉप हुआ और इतना क्विक होता है ये प्रेशर ड्रॉप कि ये प्रेशर यहाँ पे एग्जॉस्ट होना नहीं हो पाता, उससे पहले ही ये चैम्बर बंद हो जाता है। इस चैम्बर के बंद होते ही यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस बन जाएगा, प्रेशर डिफरेंस होते ही पिस्टन ऊपर जाएगा और ये ए आर का प्रेशर यू कंट्रोलर ए कंट्रोलर मैक्सिमम लिमिटर मिनिमम लिमिटर से होते हुए ब्रेक सिलेंडर में पहुंच जाएगा। तो इस तरह से ये सेंसिटिविटी टेस्ट होता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।